गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होगे, ऐसी ईश्वर से कामना है। बस सुबह हो चुकी है, आज थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोए थे। सुबह की शुरुआत आज बहुत लेट हुई है। अब वही चाय पी चुके हैं, आगे देखें क्या करते हैं, बताऊंगी मैं आपसे, मिलूंगी फिर बात करती हूँ। आइए दोस्तों, रसगुल्ले खाते हैं, छेने वाले। ये मुझे बहुत पसंद है, छोटे साइज में होते हैं और मुझे ये बड़े से छोटे वाले ज़्यादा पसंद है, ये छेने वाले रसगुल्ले। आज मैंने कहा मैं आपको भी खिलाऊं। मेरा फीदी खद्दू है, ये देखो भैया खा रहा है बिस्किट और फीदी पूरे नज़रों से देखो कैसे गड़ा गड़ा के नज़र देख रहा है। ये देखो ये देखो हमारी सुंदर सी फीदी को, ये हमारे सुंदर सा फीदी है, ये हमारा सुंदर सा फीदी है, ये देखो है। बस आज मौसी आई हुई है बच्चों की, तो हम थोड़ा सा सुबह चाय के साथ थोड़ी गपशप भी करी, तो काम थोड़ा लेट चलेगा, तो बस बैठे हुए हैं गप्पे मार रहे हैं। और काम क्या है, बच्चे साफ सफाई तो बच्चे कर लेंगे, थोड़ा खाने का देखना है, तो आज क्या बनेगा क्या है, अब सबसे मिल बांट के पूछ के तब करेंगे, फिर मिलती हूँ आपसे, फिर बात करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। बस 8:30 का टाइम है और मैं फ्री थी इस समय, जो सिस्टर वगैरह आई हुई है वो थोड़ा मार्केट वगैरह गए थे बच्चों के संग, मैं फ्री थी, खाना बन चुका था। आज हमारा सुबह से ही बाहर का ही खाना चला, तो मैंने आपको दिखा भी नहीं पाई कि आगरे का जो फेमस खाना है वही सब हमने खाया, तो इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाई आपको। बस आज पूरा दिन गप शप उसी में ही बैठे रहे, थोड़ा सा थकावट भी हो रही थी, कल लेट नाइट जागे थे तो उससे थकावट भी बहुत थी, तो हम आज ऐसे ही ढीले बोले, इधर उधर काम कम और गप्पे ज़्यादा हुई, और वैसे ही टाइम पास हुआ, हंसना बोलना गप्पे करना और पुरानी यादों ताज़ा करना, बस यही सब चीज़ें हुई। और अच्छा लगता है कभी कभी पुरानी बातें याद आती हैं, अपने मायके की, अपने भाई बहनों की, उस साथ की जो एक इमोशन जुड़े होते हैं ना, तो जब वो चीज़ें अगर निकल के आती हैं तो पुरानी बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। और पता नहीं क्यों अब ये टाइम ऐसा है या ये एज ऐसी है कि मुझे अपनी बहनों के संग या अपने भाई के संग जो जो टाइम मैंने बिताया वो मुझे बहुत याद आता है, और मैं उस चीज़ के लिए ये सोचती भी हूँ कि कभी उन सब से कहूँ, अपनी बहनों से भी और अपने भाई से भी कहूँ कि कुछ एक वक्त ऐसा निकालो 3-4 दिन का जिसमें हम सब एक जगह कहीं मिलें और पुरानी बातें करें, कोई नई डिस्कशन नहीं, कोई नई क्या कि उसने क्या कहा है इसने क्या, कुछ नहीं, सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा करें। मैं उन्हीं यादों के वही चीज़ रखना चाहती हूँ जो पुरानी चीज़ें हैं हमारी, जो हमने बचपन से एक दूसरे के साथ की हैं। मुझे हर चीज़ एक एक चीज़ें याद हैं कि बड़ी दीदी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी, कैसे हमें उन्होंने एक एक चीज़ सिखाई कि बड़े के साथ कैसा वो करना है, छोटे के साथ कैसे कहना है। मैं एक बात उन इस चीज़ को याद करके मैं एक बात ये और कहूँगी कि एक वो जो कहते हैं ना घर से मिले हुए संस्कार जिसे कहते हैं, वो मैं क्रेडिट अपनी बड़ी दीदी को दूँगी, क्योंकि जितना उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है, जितना मेरी बड़ी दीदी ने
हमें आगे बढ़ने में, एक आगे लाइफ में जीने में और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक हमारे मॉरल को मतलब डाउन ना होने देना, हमें अपने एक वो कहते हैं एक लड़की के जीवन में होता ना कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी दीदी ने हमको वो सब चीज़ें सिखाई कि हम समाज में कहाँ में खड़े होना है, किससे कैसे बातें करनी है, और एक अपनी लाइन को भी क्रॉस नहीं करना है, और हर रिश्ते में एक अच्छी वो बना के चलनी है, और कहीं पर भी हमने कभी अपने आप को वो नहीं समझा कि कहीं पर भी हम कमज़ोर पड़ेंगे, वो सब चीज़ें आज मुझे याद आती हैं कि नहीं, उस समय वो कभी जब डांटती थी या जोर से बोलती थी बुरा भी लगता था हमें बहुत, लेकिन हम आज मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मैं कहती अगर वो उस समय उन्होंने मुझे नहीं डांटा होता तो शायद आज हम इतने मजबूत नहीं होते। तो बस आज मैं एक मजबूत जो मैंने अपने आप को बना रखा है जो, या एक मजबूत भरी ज़िंदगी मैंने जी है, जो भी परेशानियां आई उसमें मजबूती से खड़ी रही, उनको सॉल्व किया, उनको पार करके आगे निकली, या मैंने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया या उनको एक वो दिया, वो सिर्फ मैं उसका क्रेडिट अपनी बड़ी दीदी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने जितना हम लोगों को एक सपोर्टेबल लाइफ दी है, और एक जो एक कहते ना एक लड़की की एक एज आती है उस समय उसे एक सही गाइडेंस मिले, लड़की हो या लड़का, सॉरी ये तो दोनों ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक सही वक्त पर सही रास्ता दिखाना और उस रास्ते पे चलना, बच्चा चल जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो उन्होंने किया है। तो इस चीज़ का मैं हमेशा मानती हूँ और मैं मानूँगी, क्योंकि ये चीज़ ये मेरे साथ हुई है, और आज मैं उस बात को खुद से एक्सेप्ट भी करती हूँ कि ये सिर्फ मेरी बड़ी दीदी का सपोर्ट रहा। देखिए दोस्तों, टीटू जी आए थे और चले गए, उनका यही रहता है मम्मी कहाँ क्या कर रही है, एक नज़र देखने आएंगे, मम्मी उनकी नज़र के आसपास होनी चाहिए। तो बस आज मैंने अपनी पुरानी यादें आपसे ताज़ा की, और क्या बताऊँ दोस्तों, बस यही मेरी ज़िंदगी की छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जिन्हें मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने लाइफ के अपने कामों में लग जाते हैं तो हमें ना अपने लिए टाइम नहीं होता है, और वो टाइम मेरे पास अब मिलने लगा, लेकिन मेरे साथ मेरे को अपनी जो वो पुरानी यादें हैं बहुत याद आती हैं, कभी कभी मेरे को बहुत लगता है कि मैं उठ के जाऊँ मिलूँ और उन यादों को ताज़ा करूँ, लेकिन फिर ये चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं, मेरे बिना घर में कैसे काम होगा, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें सोच के रह जाती हैं। आज हमारे घर का रूटीन ऐसे ही रहा, खाने का सबने हाथ से लाए थे कुछ, यहाँ का जो लोकल नाश्ता है वो, और खाने का भी ऐसे ही रहा, तो सब आज मैं उनका आपको खाने का ब्लॉग नहीं वो कर पाई, लेकिन आज हमने सब वैसे ही बहुत एंजॉय किया। बस गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं नई सुबह नई सोच के साथ।